हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के फ्रेश व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है ना मेरे लिए स्पेशल डे है, बिकॉज आज मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है। और मम्मी अभी अंदर है, उनको कुछ पता नहीं है कि मैंने उनके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा हुआ है। मैं एक्चुअली जो कल वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता था कि मैं कल रात को लेट आया था 11:30 बजे। मैं सोच रहा था कि 12 बजे उन लोगों को कुछ सरप्राइज़ करूँगा, लेकिन नहीं कर पाया। बट कोई नहीं, अभी हम उन लोगों के लिए कुछ लेके आते हैं मार्केट से, कुछ सामान लेके आता हूँ मैं, वो खुद अपने हाथों से बनाऊँगा और उन लोगों के सामने पेश करेंगे हम, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार। काफ़ी लोग वीडियो को देखने से पहले लाइक कर देते, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे लाइक किया करो, कमेंट कर देना, कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, विशेज वगैरह जो भी आपको लिखना है। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करो। फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कुछ अलग अलग टाइप के बिस्किट्स, और इसका हम बनाने वाले हैं घर के अंदर केक। कुछ 5-6 डिफरेंट टाइप के बिस्किट्स लेके आया हूँ, प्लस में बेकिंग सोडा लिया है मैंने। और देखते हैं, दिखाता हूँ आपको फटाफट से, जल्दी धड़पड़ अपने स्टाइल में। इसके अंदर मैंने बिस्किट प्लस में 1 कप दूध डाला है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने ऑयलिंग कर दिया, मतलब ग्रीसिंग कर दिया, ताकि वो चिपके ना। और इसको 45 मिनट के लिए फिर हम रख देंगे गैस पर। इनको मैंने लो कर दिया है और इसको अब हम ढक के रख देंगे कुछ 40 मिनट तक। ओके, 40 मिनट के बाद देखते हैं कैसा बनेगा। लेट्स सी, आई होप कि अच्छा हो यार, देखते हैं। मेरे लिए चाहे चीज़ ख़राब बन जाए, लेकिन घर वालों के लिए बना रहा हूँ तो अच्छी बननी चाहिए। बस यही दुआ कर रहा हूँ कि अच्छी बन जाए। लो फ्लेम पर है, 40 मिनट तक अभी टाइम हो रहा है, कुछ 6:25। उसके बाद देखते हैं, अभी 20 मिनट हो चुके हैं और जो खुशबू आ रही है ना यार, बस खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन जो मैं चीज़ बना रहा हूँ केक, वो अच्छे से बन जाए। मम्मी को भी बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ। और यहाँ पे बन रही है चाय, शाम की चाय, तो मॉम को देता हूँ। इधर ना हमारा केक रेडी हो गया है। चलो पकड़ इसको। 1, 2, 3। अरे भूख तो मारो इस समय। चलो कितने हो गए, कितने साल हो गया? मैं भी तो देखूं कैसा बना रिद्धि, कैसा बना ये? अच्छा बना, लो खा के बताऊ। तुम जी जरा तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया ही है, सही है। और कैसा लगा ये बताओ? अच्छा लगा। बढ़िया बन गया भाई केक तो। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया बन जाएगा, लेकिन घरी रोटी की तरह। और यहाँ पे खिला दिया मैंने, अब थोड़ा सा पीस वा कर दियो छोटी भाभी का। तो बढ़िया बन गया तो। हां अच्छा, कुछ ना डाला दूध, नो चराइए नहीं हुई, कोई ना खा लो, खा लेने। हां ये चल, पैर चटा दूं पहले, प्रसाद कर दूं, चटा दूं पैर, क्या यानी पैर चटा दूं? ला पैर चटा दूं, पैर ये चटा दो,
क्या मजा आता है तुमको? चटक गए। अरे चटक गए चाचू, इसको ना उसमें रख दो, एक ना उसमें ना सारी चटनी। अरे कटोरी में क्यों, आप खाओगे? अरे मैं नहीं खाऊंगी, ये ऊपर चाची चाचू दियांगे, चाचू दियांगे आपको। जाओ काट काट के अलग दे रही है पपी। अच्छा है, काट के दे रही एक नंबर केक बन गया, सिंपल सस्ता वाला जुगा। चार पांच तरीके के बिस्किट डाले और थोड़ा सा एक कप दूध और बेकिंग सोडा। तो आई होप कि गाइस ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी विशेष नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो आई होप कि गाइस ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और केक सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था यार, कमेंट में अपनी विशेष जरूर लिखना। चलो बाय।